अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ मैंगो आइसक्रीम। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक बड़े बर्तन में नीचे डाली हुई है बर्फ़ तोड़ के, और उसके ऊपर मैंने बॉल रख दिया है अपना क्रीम वाला, और इसमें मैंने 2 पैकेट डाले हैं क्रीम के। और क्रीम जो है वो आप व्हिपिंग क्रीम ही यूज़ कीजिएगा, वरना आपकी आइसक्रीम जो है वो नहीं बनेगी और वो बर्फ़ की तरह जम जाएगी। और इसको अब यहाँ पर मैं सबसे पहले लो स्पीड पर बीट करूँगी। यहाँ पे थोड़ी देर में इसको बीट करने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ मैंगो एसेंस 1 टीस्पून, और साथ ही में मैं इसमें डालूँगी 2 खाने के चम्मच चीनी। और चीनी मैं ज़्यादा नहीं रखती, अगर आपको पसंद हो तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी डाल देने के बाद अब मैं इसको फिर से जो है वो बीट करूँगी मीडियम से हाई स्पीड पर तकरीबन 20 मिनट के लिए। 20 मिनट बीट करने के बाद अब यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ मैश किए हुए आम। मैंने एक बड़ा आम लेके उसको कांटे से मैश कर लिया था, और आप चाहें तो इसकी प्यूरी भी बना सकते हैं। और अब मैं इसको जो हूँ वो अच्छे से मिक्स करूँगी क्रीम में। इसमें जो है वो कलर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना, सिंपल सी आइसक्रीम है ये बस। मैंने जो है यहाँ पे ऑलपर्स की क्रीम यूज़ की है, लेकिन आप व्हिपिंग क्रीम ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि हमारे घर में जो है वो मेरे पेरेंट्स को शुगर है तो मैं स्वीट क्रीम यूज़ नहीं कर सकती। और मैंने पाकिस्तान में जितनी भी क्रीम्स देखी हैं उसमें चीनी ऐड है, तो आई कैन नॉट यूज़, पर आप यूज़ कर लीजिएगा। मिक्स कर देने के बाद अब यहाँ पर मैं जो हूँ वो इसको बेकिंग ट्रे में डाल रही हूँ, और इसको डालने के बाद इसके ऊपर मैं यहाँ पे रख रही हूँ क्लिंग रैप, ताकि इसमें जो है वो कोई एयर ना जाए। और फिर मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी तकरीबन 8 घंटे के लिए। आप चाहें तो इसको रात में बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे 8 घंटे हो चुके हैं, तो अब मैं जो हूँ वो इसको निकाल रही हूँ, और मैंने थोड़ी सी खा ली थी बीच में, और अब बस मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप मेहंदी में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।